हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद टारगेट। आज की वीडियो में बात करेंगे डीआरडीओ चैप्टर 10 एडमिन एंड एलाइड के बारे में। जैसा कि अब सबके मन में ये डाउट होगा कि आखिरकार अब इसका रिजल्ट कब तक आपको देखने को मिल सकता है। जैसा कि मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम के रिगार्डिंग बताना चाहूँगा कि उनके आपके रिजल्ट कब देखने को मिले थे, यानी कि एग्जाम के बाद उनके रिजल्ट कब तक आए थे। तो वही मैं इन्फॉर्मेशन आपको उसी के रिगार्डिंग थोड़ी आपको अपडेट के साथ बताना चाहता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपके जो अभी फिलहाल में टेक्नीशियन के एग्जाम हुए, जो 6 जनवरी से 11 जनवरी तक उसके एग्जाम चल रहे थे, तो उसका रिजल्ट लगभग 22 फरवरी को देखने को मिला था, यानी कि 40 दिन के बाद उसका रिजल्ट आ गया था। तो आपके जो एडमिन एंड एलाइड के एग्जाम है वो लगभग 20 मार्च को समाप्त होने वाले हैं। तो उससे लगभग हम 40 दिन काउंट करेंगे तो लगभग आपके 20 अप्रैल को एक महीना होगा, और उसमें 10 दिन काउंट करेंगे तो लगभग अप्रैल के एंड तक, या तो अप्रैल के एंड तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, या फिर मई के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरी संभावना कि आपको रिजल्ट एक महीने के बाद आपको लगभग 40 दिन के आसपास आपको रिजल्ट देखने की पूरी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये पूरी अपडेट है, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।